हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। जी हाँ, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं और आपने व्हाट्सएप को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नए फ़ोन में, जी हाँ, आपने अगर नया फ़ोन खरीदा हुआ है और आपने व्हाट्सएप जो कि पुराने फ़ोन में चला रहे थे उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने नए फ़ोन में, तो कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आपको सिंपल तरीका अपनाना है विदाउट कोई भी डाटा लॉस किए, और आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को नए फ़ोन में। तो वीडियो में आपको बने रहना है विदाउट कोई जरा भी स्किप किए, कोई भी पार्ट विदाउट मिस किए, तो वीडियो में फ्रेंड्स बने रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। देखिए, यहां पर व्हाट्सएप मैंने ओपन किया हुआ है। यह मेरा पुराना फोन है जो कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, और राइट साइड में देख सकते हैं जो कि नया फोन है। इसमें व्हाट्सएप मैंने ऑफिशियल डाउनलोड किया हुआ है, और आपको भी ऐसे बिल्कुल करना है। आपको अपने नए फोन में ऑफिशियल व्हाट्सएप आपको यहां पर जो है डाउनलोड कर लेना है। अब जो मैं स्टेप बताऊंगा उस स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो यहां पर देखिए, आपका व्हाट्सएप जो पुराने फोन में चल रहा है उसके लिए आपको अपना थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। आपने व्हाट्सएप चैट, अपने मैसेज सब कुछ यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट गूगल बैकअप के। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने स्टेप बताया कि आपको सबसे पहले अपने सेटिंग्स में जाना है, और उसके बाद आपको अपने चैट्स में जाना है। जैसे ही चैट्स में जाते हैं उसके बाद नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रांसफर चैट्स का एक नया ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफर चैट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है ट्रांसफर चैट हिस्ट्री टू एंड्रॉयड फोन। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका चैट की हिस्ट्री है अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर गेट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपने फोन का एक्सेस यहाँ पर दे देना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर लोकेशन भी इनेबल मैंने यहाँ पर कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर बैक आता हूँ, फिर यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक बार कोड ओपन होने का ऑप्शन मिल गया है, बट यहाँ पर कुछ लिखा भी है इसके ऊपर, जिसके ऊपर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ लिखा क्या है। यहां पे देखेंगे तो लिखा हुआ है डाउनलोड व्हाट्सएप ऑन योर न्यू फोन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और उसके बाद यहां पर रजिस्टर विद द सेम फोन नंबर। तो यहां पर क्या करना है, आपके अपने फोन को जो है दूसरे नए फोन में सेम नंबर से रजिस्टर करना है। यूजिंग दिस फोन स्कैन QR कोड सो योर न्यू फोन। तो यहां पर क्या करना है, अब इस फोन का काम है जो कि नया फोन है। तो यहां पर देख सकते हैं व्हाट्सएप मैंने लॉग इन किया हुआ है। तब यहां पर मैं अपनी भाषा को पहले चूज कर लेता हूं। यहां पर लैंग्वेज मैंने यहां पर इंग्लिश सिलेक्ट किया, ग्रीनो पे क्लिक किया। अब यहां पे अपना नंबर मैं यहां पर डाल देता हूं। तो गाइज, मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपना नंबर यहाँ पर डाला, उसके बाद OTP डाल दिया दूसरे फोन में जो कि मेन फोन में आया हुआ था। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर चैट हिस्ट्री फ्रॉम ओल्ड फोन्स, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर एक्सेस दे देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि QR कोड आपके फोन में शो होने लगा है नए फोन में। आज क्या करना है, आपको यहाँ पर स्कैन करना है पुराने फोन से, और उसके बाद इस तरह से मैं यहाँ पर स्कैन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस रिस्टार्ट प्रोसेस को लिख रहा है, तो इसको क्या करते हैं ओके कर देते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पर कंटिन्यू पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, प्रोसेस ओके कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर रिस्टार्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर श्योर कर देते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर रिस्टोरिंग हो रहा है साथ में, आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये बैकअप भी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखें, सारे मैसेज सारे सब कुछ यहाँ पर आ चुके हैं, उसमें से हो गया क्योंकि यहाँ पर समथिंग वेंट इज रॉन्ग इसलिए लिख देगा, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है ऑलरेडी यहाँ पर लॉग इन हो गया जो कि अलग फ़ोन में था। अब यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी जो है इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि आप जब भी ये ट्रांसफ़र करेंगे अपने व्हाट्सएप को नए फ़ोन में, तो व्हाट्सएप पर अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपका वाईफाई सेम होना चाहिए। जी हाँ, सेम नेटवर्क में आप दोनों होने चाहिए, तभी आपका डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर जो वाईफाई है वो दोनों जो है सेम, दोनों फ़ोन में वही सेम लॉगिन है, सेम वाईफाई। तो इस तरह से आपको लॉगिन कर लेना है, उसके बाद अपने व्हाट्सएप को आप यहाँ पर ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं और विदाउट डेटा लॉस किए। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ मेरा डेटा आ चुका है यहाँ पर मेरे नए फ़ोन में। तो इस तरह से आप भी अपने नए फ़ोन में विदाउट डेटा लॉस किए चला सकते हैं, अपने व्हाट्सएप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस तरह से। तो वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो से आपको सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।